ये बात थोड़ी हुई थी हमारी। अहद ये तुम क्वास कर रहे हो अब। अच्छा चलो दिखाओ। अटैच हो गया। तो यार दूसरी बात ये कि लोग इतना वो कर रहे हैं कि आपकी शादी मतलब फोर्सफुली की गई है, आपकी शादी जबरदस्ती हुई है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई नाश्ता वाश्ता तो कर लिया है हमने, आज संडे था, बट संडे तो ऐसा हो गया कि बस छू मंतर, दो बल कैसे बच जाते पता ही नहीं लगता। उठने के बाद नाश्ता वाश्ता किया, आजकल मुझे पता नहीं क्या ही हो गया, वो चावल खाने की इतनी आदत पड़ गई है कुछ दिनों से, रोज़ का ही मेरा हो गया है। रोज़ सुबह 7-8 बजे मैं चावल आहत चावल आहत चावल, आज मुझे बोलता है बस कर जा, इतने चावल क्यों खाती है, बट चावलों से मेरी ज़िंदगी है, समझ रहे हो। तो भाई और दूसरी बात ये मतलब यार बाल मैं सोच रही हूँ काट मार दूँ, क्या कहते हो, काट दूँ इन बालों को, बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं, क्योंकि अब मुर्तसिम बड़ा हो रहा है तो मेरे बाल नोच लेता है, उसके बाल नोचने की हरकत की वजह से ना मेरे बाल जगह जगह से उसके हाथों में गुच्छे बने, तो फिर इनको जूड़ा बांध के रखना पड़ता है 24 घंटे। तो खैर अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। हाँ यार एक्सरसाइज करवा रहे ये अभी इसको खोला नहीं, यूं करा इतना मजा आता है इसका ऐसे देख के, शहजादा मेरा शहजादा, ये पूरा टाइम बेचारा पूरा टाइम उससे बना रहता है ना रस्सी से, वो जब खुलता है तो इसकी ईद हो जाती है। तो अब आज उसको तज़माज़ मराई है क्या बात करते हैं बाप बेटे, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा। तज़माज़ मराई जी हुआ मराई बाचा, मैं जो बुराई कर रही हूँ मराई बाचा आवा के रस्ता मोर सवाई रस्ता मोर या गई, जो भी बोला ना मुझे लाजमी बताना क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं लग रहा। लियोनीदा वा रस्ता मोर लियोनीदा, इसका मतलब तो मुझे पता, तुमने मुझे पागल बोला है ना। पागल हो गया, मैंने बोला तुम्हारी मम्मा कितनी खूबसूरत है। चल झूठा, इन्हें मुझे खूबसूरत नहीं बोला, मेरे को पता तुमने मुझे पागल बोला है। मैंने बोला तुम्हारी मामा कितनी खूबसूरत है, जब भी तो वो हंस रहा है, वो तो मेरी हंसता थोड़ी, वो तो मेरी बुराई पे हंसता। तुम इसको इतनी एक्सरसाइज क्यों करवाते हो, समझ में मजा आता है जब ऐसी अंगड़ाइयां लेता ना, एक जब ये रोता है सब हां तो मुझे मजा आता है, और जब ये यूं करता है तो अब आहद उसको तैयार कर रहा है। आहद ने उसके इतने सारे ड्रेसेस निकाल के फेंके, ये उसका अफगानी ड्रेस है, उसका वो सारी चीजें निकाल के फेंकने के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसको ये ड्रेस पहनाया जाए या इसका ये गाड़ी वाला ड्रेस है ये पहनाया जाए या फिर इसको ये वाला ड्रेस पहनाया जाए। मैं तुम्हें बताऊँ ना, डिसाइड करते हैं हम, कमर्शियल वाला इसका इसको काफी बड़ा होगा, कम काली जो खुश कम यो काली होगा, लोग बोल रहे हैं कि ये बच्चा 6 महीने का ही, औरत झूठ बोल रही है। ना काली सखन की ना काली होगा दे आई गेस इसको आ जाएगा ये। हां ना काली होगा लंबी है नहीं, बट अभी सर्दियां अभी नहीं, खैर इसकी रियल एज तो YouTube की ऑडियंस को पता है। हां कसम से हमारे सारे व्यूअर्स को इसकी रियल एज पता है, आपको नहीं पता ना, वो लड़की बोल रही है कि ये 6 महीने तक का बच्चा, ये कितना झूठ बोल रही है कि ये पैदा अभी हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना लंबा है, मेरे बदले की हाइट भी अल्लाह ने इसी को दे दी। और एक लड़की ने कमेंट करा है कि मेरी 6 साल की भतीजी आपके जैसी दिखती है। आहत को पहले इतना गुस्सा आता था कि बच्चे रोए ना, अगर कोई बच्चा रोता था ना तो आहत ऐसे बोलता था इस बच्चे को चुप कराओ मेरे सर में तकलीफ हो रही है, और अब मुर्तसिम पूरी रात करता है और आहत के पास कुछ भी नहीं होता सिवाय उसको बोलने के, अरे अरे बेटा मेरा बच्चा चुप हो जा चुप हो जा, पूरी रात उसको चुप हो जा करता रहता है। ये बोलते हैं बस मेरे साथ खेलते रहो, अभी मैं खेल रहा हूँ ना इतने मजे सुकून से लड़ा, बोलते हैं मेरे साथ खेलते रहो, मुतसिमा तवाई था मोरजे, हाँ तवाई तस्मा चाहिए हुआ और तजा तो बाबा चाहिए कहता बाची चाहिए तजा तो बाची चाहिए बा, फिर से मेरी बुराई कर रहे हो दादा बा, ये मेरे और मेरे बेटे के बीच की बात है यार, तू कहाँ से बीच। तो मैं एक बात बताऊँ, एक लड़की कहीं से हो ही नहीं बीच में, किसी ने बोला है कि ये बच्चा बिल्कुल वालिया जैसा दिखता है,
बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, उन्होंने बोला है। देखो गाइस, मेरी भी चाइनीज जैसी आंखें छोटी छोटी और इसकी आंखें भी चाइनीज जैसी है। नहीं, ये पूरा मेरे पे मिलता है। नहीं, बिल्कुल देर अगर किसी ने इसको इसके साथ मिलाया तो मेरा शहजादा है तो मेरे पे जाएगा ना। तुम प्रॉपर्ली ये कह रहे हो कि मैं बदसूरत हूँ? नहीं, मैंने वो इतना बोला ही मुझ पे किया। ये फंस गया तो भाई, मुझसे तो मुर्तसिम तैयार नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, इतना कोई चलाक लड़का है, इसको तैयार करने के लिए करो। हाथ पांव टाइट कर लेगा, मेरे तो बाल ही नोच देता है सारे, इतनी बुरी तरीके से बाल पकड़ लेता है। और छुड़वाओ तो सारे मेरे बाल इस लड़के के हाथ में होते हैं, पता चल गया मेरी बुराई कर रही है। और मैं जब फ़ोन उठाऊंगी इसको पता चल जाता है मेरी अम्मा व्लॉग बना रही, अब तो रहूँगा। तो अब मैंने ये सोचा मैं तैयार व्यार हो जाऊँ, अभी हमको जाना भी है, तो फिर जो है फिर मुर्तसिम का हम करेंगे फेस रिवील, समझ रहे हो? अहद, आर यू रेडी? क्या? मैं तैयार होके आ रही हूँ। पहले तुम तैयार तो हो जाओ फिर देखते। अहद, मैं प्रॉपरली तैयार होके आ रही हूँ। हाँ हाँ, तैयार तो हो जाओ, तुम जाओ, तुम रेडी तो हो जाओ। तुम जीन्स शर्ट पहनोगे, तुम्हारे कमीशन वाला प्रेस करूँ? ग्रीन वाले पहनो, वो ज्यादा सूट करते हैं तुम पे। तो पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैचिंग करूँ तुम्हारे साथ, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बाय में जाती हूँ। तो गाइज, मैंने मतलब अपना मुंह वो धोने के बाद, बाल वाला जितने टाइम बाद वो किए हैं, मैंने सोचा अहद मैं कैसी लग रही हूँ, पाई लग रही हूँ। चलो तो अब मुझे अन्ना बेटे की शक्ल दिखाओ। क्या ये बात थोड़ी हुई थी हमारी? अहद, ये तुम क्वास कर रहे हो अब। अच्छा, चलो दिखाओ, ले लो। 3, 2, 9 आदि, क्या मजाक है यार? मैंने एक शर्त रखी थी, लोग माशाल्लाह बोलेंगे तो मैं देखाऊंगा। तो लोगों ने बोला तो उस वीडियो में भी माशाल्लाह। मैं नहीं बोलता आदि, प्लीज मत करो। देख रही हो अभी भी कितना रो रहा है ये? तुम्हारे कहने पे ही कल वो आधा फेस जो इसका हुआ है ना रिवील, उसके बाद से इसकी तबीयत देखो कितनी खराब हो रही है। नजर वजर कुछ भी नहीं होती, तुम पूरे बुड्ढे नहीं। नजर वजर कुछ भी नहीं होती, लेकिन नजर रियल होती है मेरी जान। बुड्ढे आदमी की तरह नहीं बात किया करो। बात बुड्ढे आदमी की नहीं है जान, छोटा सा मासूम सा बच्चा है। जनरेशन क्यों मतलब नजर वजर नहीं होती कुछ भी? चलो नजर वजर नहीं होती है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन एटलीस्ट इसको थोड़ा सा तो बड़ा होने दो। कितना? इतना बड़ा तो हो गया, सवा महीने का है। थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इतना बड़ा होने दो कि फिर उसके बाद हम स्पेशल इसका शूट करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसके बाद इसका फेस रिवील करेंगे। क्यों गाइस, ऐसा सही है? आप लोग बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बताओ। तुम बोल रहे हो गलत है, तुम हमेशा यही करते हो, तुम हमेशा अपनी मर्जी से व्लॉग डालते हो। अच्छा, अब तुम ये बोल रहे हो कि जो रो रहे तो नहीं रोती, शक्ल तुम पे गया है, बात बात पे रोता है तो रोएगा, छोटा सा बच्चा है। चलो तुम्हें इसका फेस रिवील करना है ना? हाँ तो करना। अभी देखो मैंने इसका आधा फेस रिवील कर दिया, आधा फेस देख लिया ना गाइस, बाकी आप लोग गेस करो, आधा फेस वैसा है तो आधा फेस भी वैसा ही होगा। और दूसरी एक शर्त रखता हूँ, अब इसका पूरा फेस रिवील होगा, इसका प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के इसका पूरा फेस रिवील कर दूंगा, ठीक है? पक्का? अब आप लोग डिसाइड करो इसका फेस रिवील कब होना चाहिए, सही है? अब सारी चीजें आप लोग के ऊपर है, अप टू यू गाइस। ओके, देखते हैं। अब व्यूअर्स के ऊपर ही सारी चीजें रखते हैं, हम ऑडियंस के ऊपर सारी चीजें छोड़ते हैं। अब आप लोग डिसाइड करो कि इसका फेस कब रिवील होना चाहिए। ओके, समझ गई मैं। चलो अभी निकलते हैं। चलो तो यार, अहद ने तो मुझे धोखा दे दिया, मेरी बहुत ज़्यादा उससे हटी हुई है, बट हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? हम रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? जस्ट बिकॉज हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो मुर्तसिम इतना रो रहा है, आदि इतने अच्छे से उसको कैरी कर लेता है कसम से, बट ये बच्चे अम्माओं से क्यों इतना अटैच होते हैं? अम्माओं से इतना अटैच हो जाएंगे फिर किसी के पास जाते ही नहीं है। पहले तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, बट अब बहुत ज़्यादा ही वो मुझसे अटैच हो गया है। तो यार दूसरी बात ये है कि लोग इतना वो कर रहे हैं कि आपकी शादी मतलब फोर्सफुली की गई है, आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई है या कुछ वगैरह वगैरह। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग नए व्यूअर हो और तुम्हें नहीं पता है, तो मैंने अपना पूरा शादी का व्लॉग पोस्ट किया हुआ है, देख के उसको अच्छे से सब वो कर लिया करो, इसमें कोई वो नहीं है। ज़बरदस्ती शादी, कम ऑन गाइस,
2024 चल रहा है, कहीं स्टेट्स में अभी भी होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैंने प्रॉपर लड़का पसंद करके शादी की है। और मैं मतलब माशाल्लाह 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 बोल दिया करो, वरना फिर हर व्लॉग के बाद आहत की मेरी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होती है। और अगर तुम लोग भी शादी करने का सोचो ना लड़कों, तो ये देख लो इतना प्यारा लड़का है मेरा, इसको पहले इतना चिढ़ आती थी, इतना चिढ़ आती थी रोते हुए बच्चों से। आहत को लिटरली बच्चे पसंद तो थे शुरू से, बट आहत को रोते हुए बच्चे नहीं पसंद थे। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको बच्चे ऐसे दिए कि बस 24 घंटे करके रखते हैं, 24 माशाल्लाह। और अगर उसको डकार ना आए तो आहत का दिल मुंह में आ जाता है कि मेरा बच्चा डकार क्यों नहीं ले रहा। और यार तुम लोगों को पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, मैं मेकअप करना भूलती जा रही हूँ, मैं अम्मा बन गई हूँ अब तो। अम्माएँ नहीं होती जिनको मेकअप नहीं आता। अब मैं तुम लोग को मैजिक दिखाऊँ, ये देखो ये है वाइट, कैसा ये हो गई पिंक, ये अब सब तालियां बजाओ। नाइस, कितनी प्यारी लग रही हूँ, आंध प्यारी लग रही हूँ अब तुम्हें। क्यों, हाँ मैं भूल गई, आहत ना शादी के 2 साल हो गए, आहत अब भी बोलता है जान तुम दुल्हन हो तैयार होके रहा करो। तुमने कहा मेरे पास वाले ग्लासेस भी, वाह मुर्तसिम को लगा के उसका शूट करूँगी। अब मैं पहनूंगी अबाया, क्योंकि अब मुझे पता नहीं, पहले तो मैं शादी से पहले बोलती थी मुझे ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाना है, वैसे कपड़े पहन के। मैं जैसे जैसे कोशिश कर रही ना कि मुर्तसिम का चेहरा दिखा दूँ, आहत ऐसे ना जूम कितना निकल रहा है, इतना चलाक लड़का है। ओ यार अगर तुम में से किसी को पता है ना, मतलब वो मैं तुम लोगों को, आहत एक लड़की ने बोला कि आपकी शादी से पहले ज़िंदगी कैसी थी कुछ तो बताएं। कैसी थी? मैं बहुत बदतमीज़ थी और बात पे घर में चीख चिल्ला, बहुत मुश्किल हो रही है भाई। ऐसा हाल था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ के आओ, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई, सब कुछ ट्रैक पे आ गया। मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थी, सीधी हो गई, वरना इसको सीधा करना बहुत मुश्किल था। मैं घर के अंदर मैंने कई बर्तन इसी में, पहले आहत ऐसा था, आहत को गुस्सा आता था, आहत मुझ पर चिल्लाता नहीं था। मैंने अभी इंस्टा पे भी रील पोस्ट की, देखना तुम लोग, आहत मुझ पर नहीं चिल्लाता था। जब मैं चिल्ला रही होती थी ना, आहत घर की कोई चीज़ तोड़ देता था, मैं और चिल्लाती थी। और जब मैं देखती थी ना कि आदि को लग गई है, तो मैं एक साइड में चुप होके बैठ जाती थी। आहत के हाथों पर बड़े जख्म है मेरी वजह से। तो आहत तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना कि जब वो लोग बोलेंगे तुम इसका फेस रिवील कर दोगे, झूठ तो नहीं बोल रहे? देखो प्रॉमिस, अभी देखो इसको हवलदार बनाया हुआ है, हवलदार नहीं वो कैदी नहीं होता कैदी ना, कैदी जैसे कपड़े, कैदी जैसी टोपी इतना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, प्रॉमिस कर रहे हो बता दोगे? वोट ज्यादा होंगे और लोग बोलेंगे कि हाँ माशाल्लाह बोलेंगे, तो बस फिर हम पक्का। ओके डन, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? बर्थडे भी तो आ रही है, तुम पैदा भी हुई थी? हाँ जब मैं पैदा हुई थी, कौन सी तारीख को हुई थी पता है ना? मुझे अपनी बर्थडे का नहीं पता होता, तुम्हारी क्या पता होगी? आखिर नहीं पता, मुझे अभी याद आया, तुमने तो मुझे अभी तक वैलेंटाइन भी नहीं पूछा अपना। वैलेंटाइन के बदले मैं पैंपर का पैकेट लेके तो आया था। ये पैंपर का पैकेट? हाँ लेके तो आया था मैं, तो ये मेरा वैलेंटाइन का गिफ्ट है। ये पैंपर का पैकेट देके मैंने वैलेंटाइन विश तो किया था तुम्हें, बोला नहीं था हैप्पी वैलेंटाइंस डे? अब तो बेटा तू जा। गाइस देख लिया ना, ऐसा होता है शादी के बाद, देख लो तुम लोग भी, आज मैं अच्छी लग रही हूँ तुम ऐसे। हाँ माशाल्लाह, नहीं दिखाई तुम्हारे बेटे का चेहरा, मत रखो बार बार हाथ, मैं सिर्फ तुम्हारा फेस दिखा रही हूँ, कसम से प्रॉमिस कर रही हूँ, दिखाओ मैं मुर्तसिम की नाक पे लगाती हूँ तो मुर्तसिम हंसता है, जैसे उसकी नाक पे लगा दो उसको लगता है कोई सुई चुभ रही है। दिखाओ मेरी नाक, दिखाओ, ऐसे करो आड़ा मुंह करो। यार कसम खुदा की सच बोलूँ, मैं मेकअप से अपनी नाक ऐसी करने की कोशिश करती हूँ, मजाक नहीं उड़ाती, आई स्वेयर इतनी प्यारी नाक दी, कसम से सच बोलूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी नाक दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो
मेरी बहन का मैंने दुपट्टा तो पहन लिया, अगर तो उसने ये व्लॉग देखा तो वो मेरी कबर खोद देगी क्योंकि उसका नया स्कार्फ है, मैंने ये पहन लिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा। तो मैं क्या लगता है वो जानवर क्या करेगा मेरे साथ? आहत बोले, आहत इतने प्यार से बोल रहा है कुछ भी नहीं, जैसे आहत को तो पता नहीं है कि वो क्या कर सकती है। इधर देखो ना, प्यारा है माशाल्लाह से। चलो गाइस तो इसी बात करते हैं, उस लॉक को ये पैंट आहत ने बहुत बुरा धोखा दिया, बट खैर होता रहता है जिंदगी के अंदर, जिंदगी होना तो है ऐसा कभी ना कभी। चलो रिलेशन में धोखा नहीं दिया तो क्या हुआ, आज फेस रिवील में तो दे दिया ना। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखो, अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, सब्सक्राइब कर दिया करो जल्दी जल्दी, कमेंट में जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा माशाल्लाह लिख दो ताकि मैं आपको कन्विंस कर सकूँ, और जितने वोट फेस रिवील के ज़्यादा होंगे ना वो जल्दी फेस रिवील कर देगा वरना बहुत तंग करेगा। तो इसी के बाद इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे करो। आई होप तुम लोगों को हमारे व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, इंशाल्लाह 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 अल्लाह पाक आपको भी सेहतमंद रखे, हमको भी, हमारी फैमिली को भी, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, सारी चीज़ें खुश रहें। और कमेंट्स में आहत तुम बोलोगे प्लीज़, बाकी गाइस कमेंट में कुछ भी चलेगा। हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।